बहुत से देखे भी होंगे। राजा रानी कहानियाँ इतनी ज्यादा दिलचस्प होती है यार। बचपन में हमने बहुत से ऐसे राजा रानी कहानियाँ सुने भी होंगे और उसे और जानने की कोशिश किए भी होंगे। ऐतिहासिक चीजों को जानने की इच्छा रखना अपने आप में एक कला है और इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो और ज्यादा वह रहस्यमय होने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही छोटी सी झलक से रूबरू करवाऊंगी जिसे देखकर आप खुद को एक खूबसूरत इतिहास में पाओगे। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पुली तमिल मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है। तो चलिए मैं आपको झलक से रूबरू करवाती हूँ। மாசத்துக்கு முன்னாடிதான் நான் பண்ணி பகைக்கு முன்னாடினா புலி. वाओ, मजा आ गया ट्रेलर देख के इसका। तो यार इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, इसका मतलब बहुत कुछ धमाल हुआ होगा, है ना? मतलब ये मूवी देखना तो बनता है यार। मुझे तो ये वाला मूवी देख के थोड़ा थोड़ा सा बाहुबली वाला मूवी याद आ गया, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही एनिमेशन और ऐसे ही ग्राफिक्स का यूज किया हुआ है। बहुत ही मस्त लग रहा है ये मूवी का ट्रेलर तो मुझे। और एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस ये किया कि श्रीदेवी जी हैं, वाओ। और उनका मेकअप देखा आपने, बड़ा प्यारा मेकअप किया था। मतलब लग ऐसी रही थी जैसे कि कोई स्वर्ग की रानी हो, अप्सरा टाइप, है ना? और अपने हीरो का क्या कहें, हीरो तो वैसे ही बेमिसाल है। और विजय सर हैं तो बोल ही नहीं सकते ना कि मूवी कभी खराब होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बंदा इतना हिट है तो मूवी तो सुपर हिट ही होनी चाहिए, है ना? ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही एक बंदा दिखा, वो शायद विजय सर ही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विजय सर के इसमें दो रोल हैं, और एक जो वो फाइटिंग करते हुए और दूसरा जो राजा महाराजा की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो विजय सर ही थे मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनके शायद सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क रह गया था कि उनकी आंखों का, ऐसा लग रहा है शायद लेंस वगैरह लगाया होगा आंखों में, लेकिन फेस वगैरह तो बिल्कुल विजय सर ही थे। और आई थिंक 100% विजय सर ही थे। तो मेरे ख्याल से इसमें दो रूप देखने को मिलेगा उनका, और तो सोचो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये मूवी। और तो और इसमें श्रुति हसन है और हंसिका मोटवानी है और श्रीदेवी जी हैं और खुद हमारे विजय सर ने, इतने सारे लोग हैं यार, तो ये मूवी तो हिट होनी ही चाहिए, है ना? और मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इस मूवी को बनाने में। इसके ग्राफिक्स देख के ही पता चल रहा था। इस मूवी में विजय सर ने दो तीन एक्शन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक उन्होंने एक कैसे किया ना पुल्ली, वो भी अच्छा लगा। और एक तो वो एक्ट्रेस ने किस की जा रही थी और वो ऐसे ऐसे किए जा रहे थे,
बड़ा फनी लुक था उनका उसमें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा. और एक्शन करते हुए देखना तो मतलब माशाल्लाह. जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मूवी में थोड़ा सा कॉमेडी भी देखने को मिल रहा है, और एक्शन मूवी भी है, रोमांटिक मूवी भी है, ड्रामा मूवी भी है. मतलब देखा जाए तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस मूवी में, और हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है. बहुत कम ऐसी अच्छी मूवीज़ आती हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जब आती हैं तो मानो तहलका मच जाता है. वैसे मैंने ये मूवी देखी नहीं है, बस ट्रेलर देखा है, और बट मुझे ये मूवी देखने का मन हो रहा है ट्रेलर देख के, क्योंकि मुझे ऐसी मूवीज़ अच्छी लगती है, ऐतिहासिक टाइप, हिस्टोरिकल. ये मूवी को देखने की चाहत मुझे और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस मूवी में विजय सर को देखना अलग बात है, क्योंकि मैं हमेशा उनको एक्शन करते हुए देखी हूँ, लेकिन ये हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है, और राजा महाराजा के भेस में एक्टिंग करते हुए उनको देखना बड़ी बात है, और मैं देखना चाहूँगी ये मूवी. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और आई गेस पुली और टाइगर दोनों कनेक्टेड है ईच अदर, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मैं इस मूवी की और तह तक पहुँचूँगी, मतलब देखूँगी ज़रूर, और क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी, तो देखना तो बनता है. और आपको मेरा यह रिएक्शन इस मूवी के ट्रेलर पे कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि मैं जब भी कोई नया सा वीडियो डालूँ तो आप तक मेरा वीडियो जल्दी जल्दी पहुँचे. और हाँ, मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.